मैं अब अनिल लोढ़ा जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने सरोकारों को सामने रखें। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अनिल लोढ़ा जी, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। नमस्कार। नमस्कार जी। एक सवाल तो यह है कि क्या एमएलए लेट फंड को आप कोरोना में लड़ाई के लिए काम में लेने जा रहे हैं? एमएलए लेट फंड को क्या आप कोरोना में लड़ाई में शामिल करने जा रहे हैं? दूसरा ये कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को आपकी सरकार ने एक चिट्ठी लिखी है, दूरदर्शन से टाइम मांगा पढ़ाने के लिए। आवाज आ रही है? आ रही है। यस प्लीज। आपने प्रकाश जावड़ेकर जी को एक चिट्ठी लिखी है कि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान बचाने के लिए सरकार उनको दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाना चाहती है, क्या सूचना प्रसारण मंत्री ने उसका कोई जवाब दिया है या आपकी अन्य चैनलों के माध्यम से छात्रों की पढ़ाई जारी रखवाने की कोई योजना है? देखिए, शिक्षा मंत्री जी पत्र लिखा है, उसका जवाब अभी कोई आया नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा सुझाव दिया उन्होंने कि किस प्रकार से दूरदर्शन का उपयोग किया जाए, और अगर जब लॉकडाउन तो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है देश के अंदर, अगर लॉकडाउन के दरमियान भी दूरदर्शन का उपयोग शिक्षा के लिए नहीं होगा तो कब होगा? ये सरकार को सोचने की बात है। सरकार की प्रायोरिटी मैं समझता हूँ दूरदर्शन के स्लॉट बहुत लंबे चौड़े हैं, 24 घंटे चलता है, आराम से वो इस सुझाव को मान सकते हैं और उनको मानना चाहिए, क्योंकि ये उस पीढ़ी का सवाल है जो पीढ़ी कल का देश का भविष्य है, छात्रों पर निर्भर करता है, युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। तो मेरा मानना है कि भारत सरकार को शीघ्र ही फैसला करना चाहिए और सुविधा प्रदान करनी चाहिए राज्यों को, वो घर बैठे हुए बच्चे छात्र दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई कर सकें। और मैं समझता हूँ आकाशवाणी दूरदर्शन का अच्छा उपयोग राज्यों को मिल सकता है, शिक्षा विभाग को मिल सकता है। दूसरा, आपने जो कहा है एमएलए फंड की बात, केंद्र सरकार ने उसको 2 साल के लिए उसको समाप्त किया है। अभी हमारी मेरी कोई योजना नहीं है कि हम उसको कोई समाप्त करें, पर इसकी विचार चल रहा है कि 2 साल जो फंड मिलता है एमएलए को, उसको हम लोग कहें कोविड से लड़ने के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगाएं। इस पे विचार विमर्श चल रहा है कि इस पैसे का उपयोग अगर कोविड के कारण से जो चैलेंज मिला हम लोगों को, उसी बहाने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो पूरे राजस्थान का, हर एमएलए को ये प्रायोरिटी दी जाए कि वो अपने क्षेत्र के अंदर किस प्रकार हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करे, इस दिशा में हम लोग सोच रहे हैं। अभी फैसला नहीं किया है, पर समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है, ना इसका इरादा है और ना इसका इरादा कोई नहीं है। थैंक यू सर। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको।